गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज से हमने लिया हुआ है। तो उसके पहले हमने मतलब कुछ चेंजेस और होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे कि क्या होता है कि अगर ये क्या अनुवाद दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच दिया है, वीक है इसमें, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? तो वीक को जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बन जाएगा डे। वैसे ही आई आया है तो सेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी सेम ही हो जाता है, कभी कभी ही होता है, एंड शी होता है अकॉर्डिंग टू किसने रिपोर्ट किया है। ओके, यू का ई और शी दोनों में कोई भी चेंजिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस के किसने बोला है। क्रिस अगर है रिपोर्टेड स्पीच होता है, होता है दिस का दोनों हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। फिर हियर अगर हियर नहीं आया तो हो जाता है हियर में चेंज। टुडे आया है तो दैट डे में चेंज होता है, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज होता है, एंड द केबो अगर आया हो तो बिफोर भी ये कन्वर्ट हो जाता है जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का देखते हैं किस कैसे ये चेंज होता है। फर्स्ट दिया है वी नॉट दीज टू आर सेड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ने क्या कहा कि हम ये खिलौने चाहते हैं। क्या हुआ पहले ये सेड दिया है children said that emotive comma comma डालेंगे that and क्या बोला हमने we को किसमें change करते हैं they को। तो यहाँ पे हो जाएगा they और ये क्या था past है stage में है तो हमें इसको भी past tense में करना पड़ेगा। ये किसमें दिया है present में है want present यू का हमें चेंज होगा। ठीक है, अब आते हैं।
स्टूडेंट।